नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां गुजरात के श्रावण के पवित्र महीने में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर चोटिला को अपवित्र होने से बचाने के लिए पुलिस ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। वही चोटिला पुलिस इंस्पेक्टर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने सघन रात्रि गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर नानी मोल्डी गांव के एक आवासीय घर से भारी मात्रा में 2220 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। वही अगली खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के ब्रज तीर्थ विकास परिषद और अन्य एजेंसी द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक लेते हुए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा और मंडलायुक्त आगरा ऋतु महेश्वरी से बातचीत की। वही अगली खबर बुलंदशहर जनपद से है, जहां अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ट्यूबवेल से सोलर प्लेट चोरी करने वाले गिरोह के 4 शातिर चोरों को कब्जे से चोरी की 9 सोलर प्लेट, घटना के प्रयुक्त टाटा पिकअप आदि बरामद किया गया। साथ ही उन लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस द्वारा कर लिया गया है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी के आईटीआई के पास रहने वाले एक परिवार एलाइट चौराहा पर धरना पर बैठ गए हैं। परिवार वालों का कहना है कि वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया है, यहां तक कि बीच चौराहे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है उनके धरने देने की वजह से। जब पत्रकारों ने परिवार से बातचीत की तो महिला ने बताया कि वो आईटीआई के पास की रहने वाली हैं और वो पास में ही अपनी गाड़ी खड़ी करती हैं, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए गाड़ी को खड़ा कर दिया गया वहां। लेकिन वहां के दबंग लोगों ने गाड़ी हटाने के लिए बार बार कहा तो पीड़ित परिवार ने कहा कि गाड़ी खराब है, अभी हटा नहीं सकते हैं, लेकिन वो नहीं माने और पीड़ित परिवार पर गाली गलौज कर मारपीट करने का इल्जाम लगा दिया, जिसको लेकर के पीड़ित परिवार जो कि है इलाहाइट चौराहे पर धरने पर बैठ गया। वही जब ये पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने किसी प्रकार पीड़ित परिवार को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। वही अगली खबर झांसी से है, जहां मौरानीपुर कोतवाली पुलिस विगत रात्रि गश्ती पर थी, तभी सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से पिकअप गाड़ी पर चोरी की भैंस आ रही है। पुलिस जब खदियान चौराहे पर थी तभी तेज गति से एक पिकअप निकली, जिसका पीछा किया पुलिस द्वारा तो चोरों के द्वारा गति बढ़ाते हुए झांसी की ओर बढ़ा ली गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया। साथ में पीआरवी पुलिस भी मौजूद थी, वो अपने वाहन सहित पीछा करने लगी, जिसके बाद चोर इतने शातिर कि पुलिस के वाहन को भी टक्कर मार दी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी, आखिरकार पुलिस द्वारा उन चोरों को पकड़ा गया। हम सुबह उठे कुंदी दोई लगी है थी, जो कही गया काहे जा कुंदी कीने लगा रही हमने ट्यूब, तो है कि बोले कहते हमारी खुदना ही लगी है, तो बस तो हमारी कुंदी खुल जा, उनने कुंदी खोली तो इतने में घर बार देखे भैंस अंतर जो भैंस एक भैंस लेगा कौन, जो हमने कही कि भैंस लेगा तो हमने चलो कन्हैया चलें, तो कन्हैया बकाय भाई एफ आई आर फिर बोले कहते शक है किसी की, हमने कही शक हमें साफ किसी की नहीं है, हमके कहाँ फंसवाने का होगा। वही अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां जनपद के विकास खंड खुर्जा के अंतर्गत संविलियन विद्यालय धरपा चुहरपुर का डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने दोपहर में औचक निरीक्षण करते हुए बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी, जिसके बाद अध्यापकों के समय से उपस्थित न होने पर डीएम ने जायजा लिया, जिसके बाद डीएम ने हैंडपंप के पास जल जमाव मिलने पर भी सोकपिट बनवाने और विद्यालय के जर्जर भवन को नियमानुसार ध्वस्त कराने के भी निर्देश दिए हैं।
वही अगली खबर बुलंदशहर के जनपद से है, जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जन को स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए की गई व्यवस्थाओं और हॉस्पिटल में चिकित्सकों के उपस्थित रहने और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने औचक रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने बोला, निरीक्षण करते हुए बताया कि स्वास्थ्य केंद्र को अच्छे से रखना है, वही किसी भी मरीज को किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वही अगली खबर फारुखाबाद से है, जहां झोला छाप डॉक्टर के उपचार से 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वही भर्ती के बाद बताया जा रहा था कि बुखार और पेट में दर्द थी, जिसकी समस्या आज दोपहर के बाद डॉक्टरों ने की और जिसके तुरंत बाद ही लड़की की मौत भी हो गई। वही उपचार हेतु दो वार्ड में 25,000 रुपए जमा कराए गए थे, जिसके बाद लड़की की मौत, डॉक्टर के क्लिनिक बंद कर भागने की भी ये खबर आ रही है। वहीं सामने बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बात का संदेश दे दिया गया है, वही पुलिस इसकी छानबीन करने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। घटना का तबीयत खराब थी, ले आए बुखार आए रोज घर आए। किसको बुखार आ रहा था? बिटिया। ये कहाँ लेके आए आप? नहीं लेके आए, रक्षपाल। ये डॉक्टर क्या नाम है इनका? रक्षपाल। तो क्या हुआ, क्या घटना घटी? घटना का बोलते हैं कि चेकअप वेकअप करा तो जाके लेटे काम आए, जा बताइए। छुट्टी नहीं करी गई, छुट्टी जा जिन्हें पेट में दर्द नहीं बन तो जे जाके देते, हम देखो नहीं हमारे बच गया तो तुम अपनी ले जाओ, तो यहाँ पे एडमिट कर रखा था आपने बच्चे? कल से एडमिट किया था। तो क्या इलाज के दौरान मृत्यु हुई है क्या? पाँच बोतलें चढ़ी और 8 बजे 9 बजे आम गए तब सही थी मेरी बिटिया। वही अगली खबर आगरा से है, जहां इटावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को जिला जज न्यायालय आगरा से बड़ी राहत मिली है। वही एमपीएमएलए कोर्ट आगरा के सजा के आदेश पर रोक लगा दी है। 2 दिन पूर्व ही एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी, जिसके बाद फैसले के खिलाफ प्रोफेसर कठेरिया ने आज जिला जज न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद प्रोफेसर के समर्थकों ने आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर फैसले का स्वागत किया। विपक्ष का काम है ये, चूंकि कोर्ट का मामला था इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का सम्मान करना ही सबको चाहिए, और वो मैं सम्मान किया है। और विपक्ष राजनीति जिस तरह की कर रहा है और जिस तरह के आरोप राहुल गांधी जी के संदर्भ में लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इस तरह उन्होंने प्रायोजित करके राहुल जी को फंसाया है, तो यदि इस तरह की कोई बात सच्चाई होती तो हम नहीं फंसते, ऐसा यदि होता कहीं तो इसका मतलब ये है कि न्याय प्रक्रिया अपने आप में स्वतंत्र है और किसी प्रकार से कोई किसी का दबाव में नहीं। उनके साथ माननीय कोर्ट ने किया, उसी तरह मेरे साथ माननीय कोर्ट ने किया। वही अगली खबर मैनपुरी से है, जहां थाना किशन पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव जी फतेहपुर में 24 जुलाई की रात हुए कल्पना हत्याकांड की अनसुलझी गुत्थी को सुलझा लिया है। वही हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतिका का प्रेमी ही निकला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक कल्पना की शादी कहीं और तय होने से उसका प्रेमी अजय कल्पना पर भाग कर शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद कल्पना इसके लिए तैयार नहीं थी। वही इसी के चलते आक्रोश में आकर अभियुक्त अजय ने कल्पना के घर पर जाकर ही डांटा, उसके बाद उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वही हत्या भी युक्त ने हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। वही पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए हत्यारे अजय को जेल भी भेज दी है। वही आगे की कार्रवाई में भी जुट चुकी है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी, तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबा करके हत्या करना आया था, जिसमें उनके ताऊ हैं बदन सिंह लड़की के, उनकी तहरीर पर 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें एक नाम उन्होंने अनिल दुबे का लिखाया गया था। लेकिन जब घटना का पूरा तफ्तीश हुई तो ये प्रकाश में आया कि एक अजय सिंह चौहान है जो शकरावा सौरी का रहने वाला है, उसका इस लड़की से पिछले 7 महीने से कल्पना से मिलना जुलना था और ये दोनों शादी की बात कर रहे थे, लेकिन उसकी शादी घर वालों ने एक दूसरी जगह तय कर दी थी।
तो ये अजय लगातार उसको दबाव बना रहा था कि ये उससे ही शादी करे, तो जब वो मना करती थी तो ये उस पर लगातार दबाव बनाता था और भाग चलने की बात करता था। वही अगली खबर कोटद्वार से है, जहां एम्स ऋषिकेश से ड्रोन की मदद से ब्लड कंपोनेंट लेकर उड़ने वाला ड्रोन कोटद्वार बस अस्पताल के महज 14 किलोमीटर दूर जशोदपुर सिकुड में हिमगिरी स्टील फैक्ट्री के सामने यूकलिप्टस के पेड़ों में जाकर फंस गया, जिसके बाद एम्स ऋषिकेश से ब्लड कंपोनेंट लेकर चलने वाले ड्रोन सिडकुट के पेड़ों में फंसने के बाद शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं एम्स प्रशासन का ड्रोन सिडकुल के पेड़ों में फंसने के बाद से बताया जा रहा था कि ये बड़ी अनहोनी से बचाया गया है। वहीं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को बचाने में सफलता हासिल की, जिसके बाद लोगों का कहना है कि एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई है। हम लोग सब खड़े हुए थे और ट्रायल सक्सेसफुल भी होने वाला था, लेकिन चूंकि सब चीज़ें मशीनरी युग है तो किसी पार्ट में कोई फॉल्ट आया हुआ होगा तो इमरजेंसी लैंडिंग भी होती है, इसमें पॉइंट्स बने होते हैं तो वहाँ पे वो लैंड कर गया है। एज़ पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पीपल केम ओवर हियर, टेक्निकल लोग जिन्होंने बताया कि वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है उसकी, तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है वो अभी बात करके उसको प्रोसेस को फिर दोबारा उसमें एक्शन में लाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।